दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर के आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। अब इस मामले की पुनः सुनवाई कल 10:30 बजे से होनी है। तो बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को लगी है फटकार और कहा कि आप बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अयोग्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज तक योग्य शिक्षकों का वर्गीकरण क्यों नहीं हुआ। जज साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आर्थिक बहाना सरकार का नहीं चलेगा, बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देना ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि आज 11:55 से इस केस की सुनवाई शुरू हुई, आज 1 बजे तक इस केस की सुनवाई चली, पुनः इस मामले को लेकर के कल फिर से सुनवाई होगी। हालांकि आज भी बिहार सरकार के वकील श्याम दीवान के तरफ से ही अपना पक्ष रखा गया, बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया। इस मामले को लेकर के ऐसा हो सकता है कि कल बिहार के नियोजित शिक्षकों के वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा जा सकता है। तो फाइनली आज की सुनवाई के दौरान शिक्षक एवं छात्र के अनुपात एवं इस पे खर्च होने वाली राशि के बारे में चर्चा की गई। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे कि जज साहब ने पूछा आर्थिक परेशानी के अलावा और क्या परेशानी है आपको पटना उच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने में। इसी से साफ तौर पे जाहिर होता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जीत 100% सुनिश्चित। अब पुनः इस मामले की सुनवाई कल यानी कि 9 अगस्त 2018 को होनी है। आज का कोर्ट का अपडेट बस इतना ही है। कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों को जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू।